बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम यूनिट टू कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.1। आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं तो अपनी सोचों को पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि सोचें जो हैं वो अल्फाज बन जाती हैं और अल्फाज जो हैं उनको खूबसूरत बनाएंगे तो आपका बिहेवियर, रवैया खूबसूरत और पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप जो है अपना बिहेवियर अच्छा बनाएंगे तो आपकी आदत अच्छी हो जाएंगी, और आदत अच्छे बनने से आपका वैल्यूज़ आप अच्छी इख्तियार करेंगे और वही आपका मुकद्दर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, देखते हैं, वही हमारी थॉट्स बन जाती हैं। अगर आप दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो अपनी सोचों की आबियारी को कुरान मजीद से करें। अपनी दुनिया में आने का मकसद जाने, अल्लाह को जाने जो मेरा और आपका मालिक है, इस कायनात का मालिक है, जो हमें रिज़क देता है, जिसको ना ऊँग आती है ना नींद आती है। तो आज से अपनी सोचों को तब्दील करने के लिए कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करें, इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा मुकद्दर आपका मुंतज़िर होगा। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। आज हमने जो करना है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आप देखें कि ये सारी फ्रैक्शंस में लिखी हुई हैं, हमने इनको डेसिमल में करना है। डेसिमल को उर्दू में इशारिया भी कहते हैं। तो सिंपल वे, जैसे अगर तो नीचे डिनोमिनेटर जो निचला हिस्सा है वो पावर ऑफ 10 हो तो आप बहुत आराम से 1 के ऊपर पॉइंट लगाते हैं और वो डेसिमल में चेंज हो जाता है। जैसे 53/100 को हमने डेसिमल में किया तो 0.53 हो गया। लेकिन अगर जैसे ये है हमारे पास 3/4 है तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन से डेसिमल प्लेसेस लगा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर रखें और न्यूमिनेटर को अंदर रख के इसकी लॉन्ग डिवीजन करें। अब जैसे हमारे पास है 17/25, तो इसका मतलब है कि हमने 17 को डिवाइड करना है 25 से। तो लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे जो ये स्टेप में आपके सामने है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 0.68। ये सबसे ईजीएस्ट वे है। और इसी तरह हम 19.4 जो फ्रैक्शन है उसका मतलब है 19 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखें कि पहले तो 4 4s are 16, तो 4 होल नंबर आ गया। उसके बाद आप पॉइंट लगाएं और 0 ऐड करते हुए 4.75 हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है हमारे पास 57/8, तो पहले हम होल नंबर से डिवाइड हो जाता है, 7 लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो 1 बच गया उसके बाद हम पॉइंट लगा के 0 ऐड करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास लॉन्ग डिवीजन ख़त्म नहीं हो जाती है, हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल प्लेसेस। लेकिन अब जैसे यहाँ पे हमने 205/18 है तो 16 आता जाएगा, तो यही रिपीट होते जाएंगे। इसको टर्मिनेट करने के लिए हम 16 से 2 डिजिट्स कम है तो हम इसको 9 करके ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब होल नंबर तो बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, इनको आपको शायद पहले आपने छोटी क्लासेस में किया हो, रिवाइज कर लेते हैं। नंबर लाइन पे किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करना है, तो आप देखें कि इसमें होल नंबर कोई नहीं है, 2/3 है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि हमने 0 और 1 के दरमियान जो है वो इसको रिप्रेजेंट करना है। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको 0 और 1 आपने लगाया। अब आपने क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो आप 0 और 1 में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसमें जो है फिर 1 2 3 क्यू जो है 2/3 पोर्शन है, तो आप उसको मार्क कर लेंगे। तो ये आ गया 2 parts out of 3 equals to 3 parts। तो ये हमने नंबर लाइन पे इसकी रिप्रेजेंटेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4/5। अब आप देखें इसमें भी 0 के लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास माइनस नंबर होते हैं, तो इसमें हमारे पास 5 इज डिनोमिनेटर, तो हम जो 0 और 1 के दरमियान लाइन है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर हम इसको
जीरो से लेफ्ट साइड पे जो फिफ्थ पार्ट है उसको 4/5, फोर्थ पार्ट को करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5। फिर अब हमने करना है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास 3/4 आ गया, ये भी बहुत आसान है। आप पॉजिटिव नंबर है, आप इसको 0 और 1 को, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है तो हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और फिर हमने 0 से 3 काउंट करना है जहाँ पे 3/4 आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -2 5/8। अब आप देखें कि -2 होल नंबर है और 5/8 जो है वो, तो इसका मतलब है कि माइनस लाइज बिटवीन 5/8 जो है लाइज बिटवीन -2 एंड 3, क्योंकि -2 तक तो हम फुल नंबर काउंट करेंगे और उससे आगे हमें 5/8 चाहिए होगा। तो क्योंकि इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर 8 है तो हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर -2 से हम 5 तक काउंट करेंगे और 5/-5/8 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने 2 एंड 3/4 है तो इसमें भी हम पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे, और आपको पता है कि पॉजिटिव है तो 2 तक तो हम इसको लेंगे। अब हम 3/4 जो है वो 2 और 3 के दरमियान आएगा, ठीक है। तो अब हम 2 और 3 से आगे जो है हम नंबर लाइन को, डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 4 है तो हमने लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और फिर हम 2 से आगे 3 काउंट करेंगे और जहाँ पे 3 आएगा उसको हम 3/4 कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 3/4। अब एक और हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें हमने स्क्वेयर रूट अंडर रूट ऑफ 5 जो है उसको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तो अब हमें पता चल गया कि लेफ्ट साइड के 0 पे माइनस होते हैं और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो क्योंकि जो है हमने 1 से ऊपर तकरीबन 2 यूनिट्स लेंथ ड्रॉ करनी है एक लाइन फ्रॉम 1, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो इस लाइन को 0 से ज्वाइन कर देंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जहाँ एंड से इस लाइन को हमने 0 पे किया। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल आ गई तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम को फीसागोरस कुलिया भी कहते हैं उर्दू में। तो इसके अकॉर्डिंगली सी स्क्वेयर इज इक्वल टू a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर। तो अब जो ac है स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर प्लस bc स्क्वेयर। तो अगर हमारे पास ab जो है वो 2 है और प्लस 1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा ac अंडर रूट 5। तो आप देखें कि हमारे पास नाउ विद AC एज रेडियस एंड C एज द सेंटर, कट एन आर्क ऑन द सेम नंबर लाइन एंड नेम द पॉइंट एज D। हमने AC के जितनी लेंथ जो है वहाँ से एक आर्क ड्रॉ करनी ऑन द नंबर लाइन जिसको हमने D मार्क किया, क्योंकि AC इज इक्वल टू CD अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो क्योंकि AC जो है वो अंडर रूट 5 है और उसी की जितनी लेंथ जो है हम नंबर लाइन पे D को इंटरसेक्ट किया तो वो हमारे पास CD आ गया। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी अंडर रूट 5 की ऑन द नंबर लाइन। तो D इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट ऑन द नंबर लाइन, यानी हमने 2 यूनिट्स पहले परपेंडिकुलर लिया, फिर उसको हमने 0 से मिलाया, फिर हमने उसे कैलकुलेट किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।